चाणक्य नीति के अनुसार एक व्यक्ति को बहुत अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग सबसे पहले प्रताड़ित किए जाते हैं। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। धोखा खाया हुआ इंसान दूसरों से लड़ पड़ता है, पर जब अपने धोखा देते हैं तो इंसान मौन हो जाता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी अकड़ नहीं छोड़ सकते, पर रिश्ता तोड़ने में कोई झिझक नहीं करते। भाग्य बदलता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। अगर आप वाकई कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने तरीके को बदलें, पर अपने इरादे को कभी ना बदलें। हमेशा याद रखें, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, वह इंसान आपके जीवन का सच्चा साथी है। तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम ऐसी चिंगारी हो कि अगर दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। माना कि तुम्हारे पास हजार बहाने होंगे किसी काम को न करने के, लेकिन एक वजह ढूंढ लो जिसके लिए तुम वह काम कर सको। इंसान को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। जिंदगी में रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, लोग सिर्फ दिखावे के लिए साथ होते हैं। यही जिंदगी का कड़वा सच है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना जिंदगी को आसान बना देता है। चाणक्य की ये अनमोल बातें आपके जीवन में नई रोशनी ला सकती हैं और आपको हर कदम पर सही दिशा दिखा सकती हैं। लेकिन अभी भी ऐसी कई और गहरी और प्रेरणादायक बातें बाकी हैं जिन्हें समझकर आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इन बातों को जानने और जीवन में अपनाने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो में आप नई सीख और जीवन बदलने वाले विचारों को जान सकें। घंटी का बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। आपकी सफलता हमारी प्रेरणा है और हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही अनमोल बातें लेकर आते रहेंगे। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य न समझ सके, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। प्यार एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और नफरत एक ऐसा भाव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। इंसान को यह सोचना चाहिए कि वह दूसरों को अपनी वजह से कितना खुश कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से घबराना मत और शब्दों में फिसलना मत। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, पर सफलता के बाद नम्रता बनाए रखना उतना ही कठिन। जब तक किसी कठिन काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं, बल्कि शांति और सफलता से लिया जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर अगर ऐसा सच में होता तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। आधा जीवन लोग पर करने में बर्बाद कर देते हैं और सीखते हैं क्या? सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना। इंसान को परछाई और आईने जैसे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। क्रोध और आंधी दोनों समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हो गया। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर उंगलियां नहीं काटते, उसी तरह रिश्तों में आई दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्ते नहीं। अगर कोई इंसान आपको सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करता है तो बुरा मत मानिए। अंधेरा होने पर ही दिए की याद आती है। समझदार इंसान खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखता है। लोग क्या कहेंगे? अगर यह सोचकर आप कुछ नहीं कर रहे तो समझ लीजिए कि आप जीवन की पहली परीक्षा हार गए। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी सफल नहीं बन सकते। बुरे विचारों को अच्छे विचारों से हराने की कोशिश करें। जो लोग दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हें ही अकेला देखा गया है। जिन अपनों ने सिखाया कि कोई अपना नहीं होता, वही सबसे बड़ा सबक देते हैं। अगर किस्मत साथ न दे तो आपकी मेहनत ही आपकी सच्ची साथी है। सादगी और ईमानदारी अच्छी होती है, पर अति सरल होने से इंसान ज्यादा धोखे खाता है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। सफलता पाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे संभाल कर रखना सबसे बड़ी बात है। इंसान को कामयाबी पाने के लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे। उनकी परवाह मत करें जिनका विश्वास बदल जाए, बल्कि उनकी परवाह करें जो बुरे वक्त में भी आपका साथ न छोड़ें। चाणक्य कहते हैं,
कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को तपाती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को निखारता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहां कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, इन विचारों को मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। मन की गतिविधियों, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जैसे मौसम में बदलाव आता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। हे पार्थ, मैं काल हूं, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के जरूरतमंद को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, धरती की मधुर सुगंध मैं हूं, ऊष्मा मैं हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम मैं ही हूं, वह जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जो मनुष्य जीवन की चुनौतियों से भागता नहीं है, वही सच्चा योद्धा है। उसे परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलो। जिसके भीतर ज्ञान और ईश्वर की श्रद्धा नहीं होती, वह आनंद और सफलता को नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा, मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लूंगा। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो हुआ वह होकर ही रहता है, और जो नहीं हुआ वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अपने परम भक्तों का मैं स्वयं कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां याद रखते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। चाणक्य के अनुसार आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। जो लोग अपने समय को आलस्य में गंवाते हैं, वे जीवन में बड़ी उपलब्धियों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमेशा सक्रिय रहना और मेहनत करना जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। साथ ही चाणक्य यह भी कहते हैं कि धन को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए। यह एक ऐसा साधन है जो सही उपयोग से जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन यदि इसे अनुचित कार्यों में खर्च किया जाए तो यह व्यक्ति को विनाश के मार्ग पर ले जा सकता है। चाणक्य यह मानते हैं कि ईमानदारी एक गुण है, लेकिन अत्यधिक ईमानदार होना भी हानिकारक हो सकता है।
जैसे सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, वैसे ही अत्यधिक ईमानदार लोग जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा झेलते हैं। इसीलिए व्यावहारिकता और चतुराई का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जीवन में अनुशासन का भी उतना ही महत्व है। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से नहीं पहचान पाता और न ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। समय का सही उपयोग जीवन को सफल बना सकता है। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति केवल पछतावा ही हासिल करता है। इसके साथ ही मित्रों का चयन भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। गलत संगति जीवन को बर्बाद कर सकती है, जबकि सही साथी सफलता और खुशी का कारण बनते हैं। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यह आपको दूसरों की नजरों में कमजोर बना सकता है। अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना बुद्धिमानी की निशानी है। इसके साथ ही चाणक्य यह भी बताते हैं कि क्रोध और अहंकार इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन पर काबू पा लेता है, वही जीवन में सही निर्णय ले पाता है। किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे अहम होता है। चाणक्य कहते हैं कि विश्वास टूटने पर रिश्ता खत्म हो जाता है। इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए ईमानदारी और समर्पण आवश्यक है। इसी तरह चाणक्य यह भी मानते हैं कि संकट के समय व्यक्ति की असली परीक्षा होती है। संकट न केवल हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं। चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि कभी भी अपने शत्रुओं को कमजोर न समझें, हमेशा सावधान रहें और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शत्रु का सामना करने के लिए चतुराई और रणनीति का उपयोग करें। इसके अलावा चाणक्य यह भी कहते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास होना सबसे जरूरी है। आत्मविश्वास के बिना सफलता असंभव है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। जो लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, वे जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। वहीं दूसरों की गलतियों से सीखने वाला व्यक्ति अधिक समझदार होता है। इसके साथ ही चाणक्य यह भी कहते हैं कि किसी भी निर्णय को भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए। तर्क संगत सोच और ठंडे दिमाग से लिए गए निर्णय ही लंबे समय तक लाभकारी साबित होते हैं। जीवन में धन, स्वास्थ्य और रिश्तों का सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन कठिन हो सकता है। वहीं अपने दुश्मनों से निपटने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उनकी हरकतों को नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है।